दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का एक शेल्टर होम चलाती है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे और महिलाएं रहती हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं रहस्यमय कारणों से। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी, मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हीलचेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं, वहीं कॉरिडोर में उन्हें शौच करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। पूरे हालात इतनी गंदगी थी, इतना बदबू था, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल था। हमने यहां तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मेरी ये मांग है इस मामले में तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। शेल्टर होम्स जो सरकारें चलाती हैं, इनका काम है कि लोगों की सेवा करें। आज दिल्ली में ये हाल हो गया है कि शेल्टर होम्स की हालात जेल से बदतर है। मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगी, जवाबदेही तय होनी चाहिए।